Brother Akash, dear teachers, my dear parents, outgoing batch and class 11 students. Always, parting is painful always, but only one place I have seen parting is so happy, that's in school. But later you will understand. Later you will understand that parting was so sad, but we were happy because I remember when we were students also we want to somehow finish the school because my elders are studying in colleges, they tell a lot of stories about college. And when we reach college, somehow we want to get job because those who are our elders say about the job and they are free, nobody is there to control them. And once we get job, we feel that school was good. Then only we understand school was good. कोई काम करना नहीं चाहता, कोई काम करने की जरूरत नहीं था, खाना वक्त पे मिलता था, अब तो खाने के लिए हमें काम करना पड़ता है. So parting is always, you will understand what I am telling is, you will understand when you pass out from here, when you go and join colleges and when you go for your graduation, you will understand what I am telling. Every year when I come and stand here, हर साल जब मैं कहा होता हूं मैं सोचता हूं क्या संदेश या क्या मैसेज दू, क्या बोलू मैं. और हर साल मैं हिंदी में ही बोलता, इस साल भी मैं हिंदी में ही बोलने वाला हूं. हमेशा मैं क्योंकि आज जो मैं बात कर रहा हूं बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स से बात करना चाहता हूं, क्योंकि हमेशा हम देखते हैं आज आपके बच्चे इस मुकाम तक पहुंच गए, 12वीं पास हो के अभी बाहर निकल रहे हैं. स्कूल लाइफ में मैं हमेशा देखा हूं LKG, UKG, क्लास फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, जब BTM मीटिंग होता है सबसे ज्यादा पेरेंट्स LKG से लेकर क्लास फिफ्थ तक, फिर कम हो जाते हैं 6 से 8 तक बहुत कम पेरेंट्स आते हैं BTM मीटिंग में. और 11th 12th की बात ही मत करो, कोई आता ही नहीं. लेकिन जब मैं कहता हूं आपको एक बात याद ये रखना है, LKG UKG क्लास फिफ्थ तक आप नहीं आएंगे तब भी बच्चे पढ़ेगा, बच्चे टीचर्स की बात मानेंगे, जो टीचर जैसे कहते हैं वैसे ही बच्चे करेंगे. जो उम्र है बढ़ते जाते हैं तभी थोड़ा अटकट आ जाते हैं, टीचर्स की बात नहीं मानते, पेरेंट्स की बात नहीं मानते. तो उसी टाइम पे पेरेंट्स को बच्चों के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए. क्लास 1 से 8 तक अगर आप PTM में नहीं आएंगे कोई चलेगा, लेकिन आपको 9 से 12 में तो हर PTM में आना पड़ेगा. बच्चा क्या कर रहा है, कैसे पढ़ाई चल रहा है, ये देखना हर एक पेरेंट्स की जिम्मेदारी है. अभी आप लोगों से बोलने से कोई फायदा नहीं है, मैं जानता हूं क्योंकि ये पास आउट होके जा रहे हैं, लेकिन इनका जो छोटा भाई बहन तो कुछ तो पढ़ रहा होगा, उनके लिए तो कह रहा हूं. लेकिन बात यहां पढ़ाई यहां खत्म नहीं हो रही है, अभी ग्रेजुएशन के लिए जाएंगे. अब तक आपके साथ में थे इतना शैतानी की तो बाहर जाने के बाद क्या क्या नहीं करेगा. तो अभी आगे इनके ग्रेजुएशन में और ज्यादा, मैं यही नहीं कह रहा हूं कि इनके हमेशा इनके पीछे पड़े रहो, मतलब आपको थोड़ा सा ये देखना है कैसे हमारे बच्चे बिगड़ जाते हैं. आपको थोड़ा सा ये देखना है मेरा बच्चा कहां जा रहा है, किससे मिल रहा है, इनका दोस्त कौन है, ये थोड़ा जानकारी रखना बहुत जरूरी है. क्योंकि जब भी यहां पेरेंट्स कोई भी कंप्लेन के लिए बुलाया जाता है उसकी दोस्ती की वजह से हुआ, ये बच्चा ठीक है दोस्त करा रहा, तो उसके साथ दोस्ती क्यों है, आपने पहले से इसको मना क्यों नहीं किया. तो मेरे कहने का मतलब ये है आप लोग अपने बच्चे के ऊपर, जब मैं यहां जब भी स्कूल आना है यूनिफॉर्म कंपल्सरी कर दिया था, चाहे एक्स्ट्रा क्लास हो चाहे किसी भी काम के लिए स्कूल आना है तो मैंने यूनिफॉर्म कंपल्सरी कर दिया. उसकी क्या वजह है, कुछ लोगों को चिढ़ है इस बात पर मैं जानता हूं, लेकिन मैं ये कंपल्सरी करने की जो वजह है, वजह यही है बच्चे घर से निकलते हैं मम्मा मैं स्कूल जा रहा हूं, लेकिन बच्चे स्कूल नहीं पहुंचते, बाजार में मिलते हैं, कभी कभी कैंटीन में मिलते हैं. तो मैंने यूनिफॉर्म इसलिए कंपल्सरी कर दिया, कम से कम यूनिफॉर्म में है तो किसी ना किसी को तो दिखेगा बच्चा यूनिफॉर्म में, ये बच्चा बलाना स्कूल का बच्चा है, कोई इंफॉर्मेशन या तो स्कूल में कहीं ना किसी ना किसी का नजर लग जाएगा. इसी वजह से मैंने बोला है यूनिफॉर्म पहन के बच्चे को किसी भी काम के लिए क्यों ना हो,
बच्चे को यूनिफॉर्म पहन के आइडेंटिटी हो जाता है बच्चा, अगर नॉर्मल ड्रेस में है तो किसी को पता नहीं चलता। अभी अवनी सर और सारे टीचर्स को मालूम है, एक सिक्स क्लास का बच्चे का पकड़ा था, रोज कर सकते करते थे लेकिन स्कूल नहीं आता था। सिक्स क्लास का बच्चा जो कि आप लोगों में इनकी बात वही मत, सिक्स क्लास का बच्चा अवनी सर को मालूम है, उसके पेरेंट्स को बुलाया गया था। बच्चा रोज मम्मी पापा रोज गेट पे छोड़ देते थे स्कूल के, बाइक लेके वापस जाके वहां गेट पे पार करके वहां बैठता था बच्चा। जब एग्जाम में एब्सेंट हुई है तभी पकड़ा गया। तो इसलिए कहता हूं पेरेंट्स को छोटे क्लासों से ज्यादा, क्योंकि छोटे क्लास के बच्चों को आप ऑटो में बिठा देते हैं, बच्चे स्कूल तक पहुंच जाते हैं, कहीं बाहर नहीं जाएगा। बड़े बच्चे मैं सिक्स क्लास की नहीं कर रहा, इलेवेंथ क्लास का एक बच्चा भी है जिनका पापा ने यहां स्कूल के अंदर जाकर छोड़ा, पापा गया बच्चा बाहर गया। इसलिए मैं कहता हूं बच्चों के ऊपर थोड़ा नजर रखना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं छोटे बच्चों से ज्यादा बड़े बच्चों के पढ़ाई में, उनके चार चरण में, उनके जहां जा रहा है, दोस्त कौन है, किसके साथ और कब स्कूल से छुट्टी हुआ। किसी किसी पेरेंट्स को जो मैं फोन करता हूं बताता, हमें पता ही नहीं था क्योंकि सारे व्हाट्सएप नंबर पे बच्चों ने खुद अपना नंबर डाला हुआ है, पेरेंट्स का मैसेज पहुंचते ही नहीं है। जो पेरेंट्स को मैं फोन करके बुलाता हूं तभी हमें पता ही नहीं स्कूल का नंबर है। फोन करके पूछे, जब बच्चा कहते हैं कि आज प्रैक्टिकल है, आज स्पेशल क्लास है, आज वो क्लास है, एक बार ऑफिस में फोन करके पूछ लीजिएगा। हाँ या सही, एक फोन कॉल ही तो चाहता है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं हमारा बच्चों का भविष्य हमें बनाना है, बाद में बिगड़ने के बाद मेरा बच्चा बिगड़ गया अभी सुधारना बहुत मुश्किल है। क्योंकि हम कहते हैं ना किसी भी फसल के हमें जड़ में तो देना पड़ता है, जो भी है फसल होने के बाद जितना भी हम उसके ऊपर खाद दे दो कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो हमें शुरुआत से ही हमें ये केवल पेरेंट्स नहीं, टीचर्स पेरेंट्स स्कूल सब मिलकर काम करना पड़ेगा तभी बच्चा सुधरेगा। बच्चा मैं ये नहीं कर रहा सब खराब है सुधारने के लिए, लेकिन बच्चे का अच्छा भविष्य बनेगा। और दूसरी बात फादर संतोष ने सही कहा था, आपको अपना लाइफ एंजॉय करना चाहिए। मैं आजकल सारे पर मेरे भाई को खुद मैंने बोला अपने बच्चे के लिए कमाओ मत, अपने बच्चे के लिए कभी मत कमाना, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा रहे तो उनको खुद कमाने दो। यहाँ 12th C के कॉमर्स वाले बच्चे बैठे हैं, उनमें से बहुत सारे लोग खुद कहा है पापा का बिजनेस है वो संभालना है तो मैं पढ़ाई क्यों करूं। कहा हुआ बच्चे हम बैठे हुए उसी उम्मीद के साथ बैठे हुए बच्चे हैं, पापा का बिजनेस है और क्या होगा, अभी 12th पास आउट होगा कहीं जाके कि एमबीए की डिग्री ले लेगा, वापस आएगा पापा को उठा के बाहर कर देंगे अपना संभाल देंगे। पापा ने कमा कर रखा है, सोमवार संतोष ने सही कहा था आप कमाओ और उसी से आप अपना थोड़ा जिंदगी एंजॉय करो। आप लोग कुछ भी एंजॉय नहीं करते और सारे कुछ इनके लिए कमाते हैं, आपको यकीन है बुढ़ापे में इन लोग आपको देख रहे हैं। आजकल हमारे इंडिया में वित्त मंत्रियों का नंबर बढ़ते जा रहा है, आपको यकीन है यहां बैठे कितने पेरेंट्स को यकीन होगा मेरा बच्चा मुझे मेरे बुढ़ापे में देखेगा, बहुत कम। क्योंकि अभी कुछ नहीं कह सकते, अभी सब आएंगे मैं देखूंगा, अभी सब लोग कहेंगे मैं देखूंगा जोश में आकर, लेकिन जब हकीकत आता है बहुत कम लोग ही अपने बुढ़ापे में पेरेंट्स को देखते हैं। इसलिए आप कमाओ अपने लिए, अपने फ्यूचर सेटल, आप अपना फ्यूचर पहले सेटल करो, इसके बाद अपने बच्चों के फ्यूचर सेटल करने की कोशिश करो। लेकिन एक बात, बच्चों को अच्छी शिक्षा दो और खुद अपने पैरों पर खड़े होने के उनको काबिल बनाओ और अपने लिए खुद कमाएगा। मैं हमेशा बच्चों को मालूम है, मैं क्लास में कहता यूरोप का जो सिस्टम है 18 साल के बाद घर से निकलना पड़ता है, खुद पढ़ाई करो, खुद काम करो, खुद अपना काम देख लो। मम्मी पापा जितने भी अमीर क्यों ना हो उनको घर से बाहर निकलना पड़ता है, तब पैसे का अहमियत बच्चों को पता चलता है। मुझे मालूम है लास्ट 2 ईयर में हमारा जब विद्यार्थी में समारोह चल रहा था, फादर ने एक बात बताया था, आप लोग बच्चे के हर ख्वाहिशें पूरी कर लेते हैं। मोबाइल पूछा, फादर हम बाइक मना करते हैं, पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि फादर को चिढ़ है कि बच्चा बाइक चलाते आ रहा है, फादर को थोड़ा जलन हो रहा है बच्चों से, बच्चे बाइक चलाते आ रहा है क्यों मना करते हैं, बाइक चला के स्कूल मत आना। गवर्नमेंट रूल भी है, अगर बच्चे को आपको बताओ पिछले साल 10th का बच्चा बोर्ड एग्जाम के 2 हफ्ते पहले एक्सीडेंट हो गया। मैं हर साल कहता हूं केरला में है मालूम है, जब किसी की शादी फिक्स हो जाए
दूल्हे को फिर एक महीने शादी के एक महीने से पहले गाड़ी चलाने नहीं देते। क्यों? शादी के एक महीने पहले से दूल्हे को गाड़ी चलाने नहीं देते। आजकल तो मतलब पहले जमाने की बात कर रहा हूं, क्योंकि ताकि कोई एक्सीडेंट हो जाए, जो शादी फिक्स हुआ है वो बदल ना जाए। और आज यहाँ कल बोर्ड एग्जाम है आज भी, और मुझे पिछले बार कंप्लेन मिला बच्चे बाइक चलाते हुए बोर्ड एग्जाम लिखने तक जाते हैं। सरकार तो रूल बहुत कुछ बनाते हैं, ये रूल का पालन करना बच्चों को कौन सिखाता है? किसको सिखाना? हमें सिखाना है, और हमें बच्चों को गलत काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है बाइक देख के। बच्चे ने मोबाइल मांगा, मैंने जब अपर कोरोना के टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस चालू किया था, कुछ पेरेंट्स मेरे पास आए थे, मैं उनको बोला मोबाइल कभी मत देना। आज एक बंदूक खरीद कर देने से भी खतरा है मोबाइल खरीद के देने। भले ही आप बंदूक खरीद के दे दो, लेकिन मोबाइल खरीद के मत देना। मैंने जो पेरेंट्स आए थे उनसे कहा था मोबाइल कभी मत देना, उसके बदले एक डेस्कटॉप ले लो या लैपटॉप ले लो, कॉमन एरिया पे रख के दे दो, उसी से पढ़ाई करेंगे, उससे भी सब कुछ मिलता है। आपको मैं बताऊं, पहले जमाने में स्कूल में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते थे 11वीं और 12वीं के बच्चे। अब मैंने पूरे इंडिया के जब तक सारे प्रिंसिपल लोगों से मेरे बात हो गई, हर स्कूल का कहना है कोरोना के बाद स्कूल में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है 7th 8th 9th बच्चों से। अब मानेंगे नहीं, यहां बैठे टीचरों से पूछिए 7th 8th 9th इंस्टाग्राम फेसबुक इन सबसे प्रॉब्लम शुरू। जब भी जो भी प्रॉब्लम होता है उसका जेड जब ढूंढ के जाते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक सोशल मीडिया है। और पेरेंट्स को मालूम नहीं है, आज जो बच्चा पैदा हुआ है उसको हमसे भी ज्यादा मालूम है कैसे फोन चलाना है। हम नहीं जानते जितना फीचर्स हम फोन के बारे में, हमें मालूम नहीं है, आपके बच्चों को मालूम है, और आपको बेवकूफ बना देते हैं। कहते हैं हमेशा ऑनलाइन पढ़ाई, ऑनलाइन पढ़ाई, कितना ऑनलाइन पढ़ाई करे, जो पहले स्कूल का पढ़ाई कंप्लीट कर ले उसके बाद ऑनलाइन पढ़ाई में घुसे। ऑनलाइन पढ़ाई कितना ऑनलाइन करोगे? तो फिर अच्छी बात है, ये सारा ऑनलाइन पे हो जाता है, स्कूल की क्या जरूरत है? स्कूल बंद कर लेते हैं, सारा ऑनलाइन में पढ़ो। अगर हर चीज ऑनलाइन में होता है तो स्कूल की जरूरत नहीं है। तो ये सारी बातों को हमारे दिमाग में डालना, मैं पेरेंट्स से इसलिए कह रहा हूं। कहते हैं ना मैंने जो बाइक खरीद के देना, मोबाइल खरीद के देना, मेरा आप लोगों ने बचपन में बच्चों का खासतौर पर लड़कों का जिद देखा होगा। छोटा बच्चा था तब, जब कहीं मेले में जाते हैं तो किस खिलौने के लिए ज्यादा बच्चे पूछते हैं? बंदूक, छोटा वाला बंदूक आया ना। लड़के खासतौर पर लड़के जब मेले वगैरह में जाते, नुमाइश में जाते हैं, सबसे ज्यादा छोटा बच्चे जो लड़के होते हैं बंदूक खरीदने के लिए ज्यादा जिद करते हैं, और आप क्या करते हैं? बंदूक खरीद के देते हैं, आया ना, देते हैं। और जैसे ही उनके हाथ में बंदूक मिला सबसे पहला क्या काम करते हैं? किसके ऊपर एम करते हैं? हाँ, एम किसके ऊपर करते हैं? पापा के ऊपर। जिस पापा ने खरीद के दिए उसी पापा के ऊपर सबसे पहले एम करते हैं, यही होता है, यही होता है। जो चीजें देना नहीं चाहिए आप अगर दे दें तो यही हालत होगी, यही होता है। पुराने जमाने में पापा लोग इतना थोड़ा सख्त थे, प्यार ज्यादा दिखाते नहीं थे, पापा लोग प्यार दिखाते नहीं थे लेकिन ज्यादा सख्त थे। मैं हमेशा आज उस समय लेकिन बहुत प्यार था बच्चों के प्रति पापा को। आज के जमाने में प्यार बहुत दिखाते हैं लेकिन सचमुच में है, अगर सचमुच में है तो बच्चों का हर ख्वाहिश कोई नहीं पूरा नहीं करेंगे, क्योंकि एक मोबाइल एक बाइक खरीद के देना बुरी बात नहीं है, 18 साल के बाद खरीद के दे दो बाइक मोबाइल। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को मोबाइल की क्या जरूरत है? मेरे पास जब मैं कॉल करता मैं पूछता हूँ एक रीजन बताओ आपको मोबाइल की जरूरत है, कोई रीजन नहीं, क्योंकि घर से स्कूल आता है, स्कूल से घर जाता है। नेक्स्ट ईयर जब आप वहां से पढ़ाई के लिए जाएंगे तो ठीक है, मोबाइल देना जरूरी है। घर से स्कूल, स्कूल से घर में भी फोन है, स्कूल में भी फोन है, स्कूल से फोन करने के लिए कोई मना नहीं है, तो फिर इनके बीच में मोबाइल। और बहुत सारे पेरेंट्स मुझे क्या देते हैं, कोचिंग जाते हैं इसलिए फोन देते हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जितने भी प्रॉब्लम ये मैं पकड़ता हूं तो सारे प्रॉब्लम का जड़ कहां है? कोचिंग सेंटर, कोचिंग सेंटर, क्योंकि वहां ना डिसिप्लिन है, वहां पढ़ाने वाले को ना तो बच्चों के पढ़ाई के बारे में केवल देखते हैं, बच्चा वहां क्या कर रहा है मोबाइल लेकर बाहर क्या कर रहा है कोई नहीं देखता, इसलिए बच्चे सारे। मैं एक सवाल हमेशा पूछता हूँ, आजकल फैशन बन चुका है ट्यूशन, एलकेजी के बच्चों को लेके ना 4 सब्जेक्ट में ट्यूशन लगा हुआ है एलकेजी के बच्चे का,
किस लिए, किस लिए? आजकल एक फैशन बच्चे, और मेरे बच्चे को ट्यूशन नहीं, मेरा स्टैंडर्ड थोड़ा नीचे जाएगा, मेरा बच्चा 6-5 सब्जेक्ट में ट्यूशन के लिए जा रहा है, और ट्यूशन पढ़ने के बाद स्कूल में आकर टीचरों को पढ़ाने पर ध्यान नहीं देता। आप इतना फीस देकर स्कूल में भेज रहे हो तो स्कूल के पढ़ाई पर ध्यान दे। ओके, मैंने मान लिया किसी एक सब्जेक्ट में यहाँ के टीचर के पढ़ाने के बावजूद भी समझ में नहीं आ रहा है, तब ट्यूशन के लिए, सारे सब्जेक्ट के लिए ट्यूशन लगाने की क्या जरूरत है? वो भी छोटे क्लास में, 5th-6th क्लास में। पुराने जमाने में कौन ट्यूशन चाहता था? स्कूल में पढ़ाई तो हो रही है, और क्या करते वहां कोचिंग से कमरे पाले, और यहां आकर बाकी जिनको बच्चों को पढ़ना है उनको भी डिस्टर्ब कर लेते हैं। कुछ चीजों को पेरेंट्स को सोचना चाहिए। अगर बच्चे के अच्छे भविष्य के बारे में आप लोग सोचते हैं, इन सब के बारे में सोचना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं पेरेंट्स से बात कर रहा हूं। अब मैं बच्चों से कहूंगा, तुम लोगों को लगता होगा टीचर्स बहुत कड़ूस है, प्रिंसिपल बहुत कड़ूस है, क्योंकि इतना सारा ठोक करते हैं, हमेशा ठोकते रहते हैं। ये अभी तक अभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हर साल मैं कहता हूं, और तुम्हारा सीनियर जो गया है वापस आकर मुझे बोला भी है, अभी इसका समझ में नहीं आएगा। ये फादर प्रैक्टिकल कर इतना टाइट करते, अगर प्रोजेक्ट टाइम पे नहीं रखा, अभी मॉर्निंग आकर किसी टीचर ने मुझे, मेरे बेटी ने कहा लखनऊ में पढ़ रही है, वहां है कॉलेज में, जिस दिन असाइनमेंट रखना है उस दिन नहीं रखा, फिर कोई पूछेगा तक नहीं, इसके मार्क नहीं है, इसका मार्क नहीं है। यहां टीचर पीछे भीख मांग रहा है, बेटा लिखा तो रख दो, एक डेट दे दिया, दूसरा डेट दे दिया, तब भी नहीं रखते। ये सब बाद में पता चलेगा तुम लोगों को। तो मुझे जो कहना है, जहां भी हो एक एम बनाना। आई होप 11th के इंटरव्यू के टाइम पे मैं सब कुछ कह चुका हूं, जो 11th के इंटरव्यू के टाइम पेरेंट्स के साथ मैंने कहा है, जो मैंने कहा कितने सारे लोगों ने इसे पालन किया। मैं हमेशा कहता 4 चीजों से दूर रहने के लिए कहा था, चारों चीजों से दूर नहीं रहे कोई, 4 चीज से दूर रहने के लिए कहा था। मैं इंटरव्यू के टाइम 11th के इंटरव्यू के टाइम कोई भी 4 चीज से दूर नहीं रहा। तो मैं यही कहता हूं, जिंदगी में एक एम बनाना जरूरी है कि मेक एन एम इन योर लाइफ एंड फॉलो दैट एम, एंड फॉलो दैट एम। लाइक आवर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूज्ड टू टेल, यू शुड हैव ड्रीम्स, इट इज नॉट दैट यू सी इन योर स्लीप, यू शुड हैव सम एम। इफ यू हैव एन एम ओनली यू कैन डू समथिंग, इफ यू डोंट हैव एम यू विल बी लाइक चलता है लकड़ी जैसा पानी में, है ना? अगर नदी में लकड़ी गिर गया तो क्या होगा? फ्लोटिंग, चलता रहेगा। सिर्फ इतना हमारा एम, आप लोग ऐसे चलते रहेंगे लकड़ी की तरह जैसे पानी में हो। सो यू हैव टू मेक एन एम, दिस इज माय मैसेज आई वांटेड टू गिव यू। व्हेन यू गो आउट फ्रॉम हियर, मेक योर करियर। वी से नो, वी आर लिविंग इन इंडिया, सर्टिफिकेट इज वेरी स्किल, वी टॉक अबाउट स्किल एजुकेशन, बट अनलेस एंड अंटिल इट इज इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली, वी आर नॉट, अदर इफ यू आर नॉट स्टडिंग प्रॉपरली, इफ यू डोंट हैव अ गुड सर्टिफिकेट इन यूर हैंड, यू आर नॉट गोइंग टू गेट अ गुड जॉब। सो स्टडीज इज इम्पोर्टेंट, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इज इम्पोर्टेंट, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। सो यू हैव टू, वेन यू गो आउट फ्रॉम हियर, मेक एन एम इन योर लाइफ, वॉट आई वॉन्ट टू बिकम, एंड फॉलो दैट एम एंड स्टडी वेल। All the very best for your coming board exam and your future. Thank you.